पाकिस्तान के प्रोमिनेंट तीन लीडर्स पिछले 30-35 साल से हम देख रहे हैं, उन तीनों के बारे में किसी एक शख्स ने हमें कोई उनकी एक एक क्वालिटी बताई, क्योंकि हम बुराइयां तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज आपसे इन तीनों के बारे में हमें एक शो में एक इंसान से आई थिंक ये पहली दफ़ा हुआ होगा। सो सर थैंक यू फॉर दैट। मुशर्रफ साहब का भी आपने कहा, आपकी मुशर्रफ साहब का देखें वो चौथे थे लीडर, वो भी ने बस ठीक है। मुशर्रफ साहब 2002 में मेरी फिल्म लगी ये दिल आपका हुआ, ये दिल आपका हुआ, ठीक है। और मुशर्रफ साहब उस वक्त हैवी पावर में थे, टॉप पे थे। अच्छा, वो फिल्म कराची में कैपरी और प्रिंस में लगी हुई थी, तो उनकी बेटी आयला जो है वो कराची में रहती है, उन्होंने जाके वहाँ पर देखी। अच्छा, ये आपकी मूवी? हाँ, और वहाँ पे जाके उन्होंने शायद अपनी अम्मी को बताया कि भाई वो फिल्म देखी है, जावेद शेख की फिल्म है ये दिल आपका हुआ, क्या कमाल फिल्म है, ये है वो है वो है। हमें प्रेसिडेंट हाउस से फ़ोन आ गया, ठीक है, रिक्वेस्ट आई कि पूरी कास्ट को आपने लेके आना, उनके साथ देखनी है, उनके साथ देखिए, क्योंकि उनकी बेगम साहिबा और उनकी वालदा भी थी, और प्लस सारे जनरल्स और उनकी बेगमात। तो आप पूरे हॉल परेशान ही होंगे कि ये थे कोई मूवी बीच में ठीक ना लगी। नहीं यार, हद कर दी है तुमने। वाह सर, बहुत, मैं बताऊं, मैं सबसे ज्यादा ये शो आज एंजॉय कर रहा हूँ। फिर आप गए और ये सारे बैठे हैं, और आप सारे बैठे हैं, सारे बैठे हैं, वालदा से पूरे सारे उनको मिलवाया, ये सना है, ये मोहम्मद राना है, ये सलीम शेख है, ये बाबर अली है, ये जावेद शेख है, ये सारा। अब फिल्म मेरी 3 घंटे 7 मिनट की फिल्म, 3 hours 7 minutes। अच्छा, ये कमाल। तो 1.5 घंटे बाद इंटरवल हुआ, ठीक है। फिल्म का नाम सॉरी एकदम, ये दिल आपका, ये दिल आपका हुआ, ठीक है। 1.5 घंटे के बाद इंटरवल हुआ, तो मुशर्रफ साहब और शायद कुरैशी साहब, वो कुरैशी साहब उनके साथ होते थे, तो वो निकले हैं चाय पीने के लिए, बाहर चाय का बंदोबस्त था, तो मैं और बहरोज़ भी साथ। अब हम पीछे पीछे, सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, यू नो, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दे दिया हमारे लिए। तो यही काफ़ी था कि मुशर्रफ साहब ने 1.5 घंटा फिल्म देख ली यार, बस। अब वो चाय पी रहे थे, मैंने कहा सर थैंक यू, आपने जाना होगा टाइम तो। चलो क्या हुआ? मैंने कहा सर आपने आधी फिल्म देख ली है। बोले हमने आगे देखना है ना कि वो क्या चक्कर है, इनका फड्डा क्या है, वो उसका आखिर रिजल्ट भी तो देखना। 3 घंटे 7 मिनट की फिल्म, और आगे पीछे 15-20 मिनट, पूरे 4 घंटे वो उधर थे। जी, बातों का मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन छोटी सी ब्रेक तो लेनी पड़ेगी, फिर चैनल चलते इसी तरह। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि आप दूर जाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। मिस कर रहे थे आपको, लेकिन बातें शुरू हो ही जाती हैं। कुछ पिक्चर्स ऐसे जो हमारी रिसर्च टीम ने निकाली हैं, हम आपको वो दिखाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या वो वाकयात थे, उन पे आपके कमेंट्स। माशाल्लाह, और क्या टैलेंट है यार इस मुल्क का। देखो, वो सिंगर भी हैं, वो राइटर भी है, वो एक्ट्रेस भी हैं, वो होस्ट भी हैं। इन्होंने कभी प्रैंक किया आपके साथ? क्योंकि ये भी बड़ी फन लविंग पर्सनैलिटी है, ये भी बहुत फन लविंग पर्सनैलिटी है, तो आपके साथ कभी इन्होंने कोई शरारत? ये हमारा जोड़ होता है, बहरोज, मैं और बुशरा। अच्छा, यस, कमाल। वो शाम फिर बहुत हसीन गुजरती, माशाल्लाह। लेडीज मैन, लेडीज किलर, और उनके साथ इम्तियाज अली और रणबीर कपूर। तमाशा का वो रेलवे स्टेशन पे सीन था मेरा, इसको जब मैं अपने बेटे को छोड़ने के लिए आता हूँ, तो ये शिमला की तरफ, वहाँ पर ये शूट है, और उसका ग्रेट मोमेंट्स, क्या बात है दोनों की, कमाल। जैसी यानी कि रणबीर की मैं आपको बात बताऊँ, पहला दिन वो मैं बैठा हुआ था कमरे में अपने, शिमला में, ऊपर शिमला ऐसे ही है जैसे हमारा मरी है। मैं बैठा हुआ था अपने कमरे में, तो उसका कमरा साथ में, इम्तियाज़ साहब का उधर कमरा, ये ऐसे। तो मैं आ गया था, नाश्ता वाश्ता किया सुबह 8, 8:30, 9 बजे, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो आ गया। इम्तियाज़ मेरे कमरे में बैठे हुए थे, और मुझे सीन के बारे में बता रहे थे, जो सीन जो हम शूट करने लगे। हाँ, तो वो उसके बारे में बता रहे थे। तो थोड़ी देर बाद नॉक हुई, वो वहाँ बाहर रणबीर आया, उसने कहा इम्तियाज़ किधर है? उन्होंने कहा वो जावेद जी के कमरे में। बजाय ये कि वो अपने कमरे में जाके बैठे कि भाई उनको भेजो, वो टक करके मेरे कमरे में आ गए, और सबसे आते साथ ही मेरे पाँव छुए, क्यों कि इनके वालिद के साथ मैं ऑलरेडी 2 पिक्चरें कर चुका था। इसी वो उनको बताया हुआ था कि भाई वो जावेद शेख ऐसे हैं, वैसे है, ये है, वो है, रिस्पेक्ट है, वो मेरे बाप के दोस्त है, ये वो, तो वो ऐसे अच्छा ये तो हो गया, इसने बड़े प्यार से ये किया। हमारा जो पहला सीन के ब्रेक बीच में आया लाइटिंग का, तो ये बाहर निकला रणबीर और उसने जाके ऐसे सामने माउंटेन थे, सिगरेट लगाया, ऐसे करके खड़ा हो गया। मैं भी बाहर निकला, मैं भी उस वक्त सिगरेट पीता था, तो मैं इस मूवी में भी बाहर जाके पीनी पड़ती थी। हैं इस मूवी में भी? अच्छा। यस, वहाँ तो शाहरुख नहीं था ना। तो वो बाहर वो खड़े होकर पी रहे, इतने में मैं आया, मैंने भी सिगरेट लगाया। उसकी नज़र ऐसे पड़ी है मुझ पर, उसने सिगरेट ऐसे करके छुपा ली। ये देखो बड़ों की रिस्पेक्ट, यस, बड़ों की इज्जत, यस। जा रणबीर जा, तेरी मूवी हिट हो जाए, याद करेगा। अगली लगाएं जी। वेरी सलमान खान को कोई मशवरा दिया तमाम शादी का? वो भी नहीं, वो शादी वो कहता है कि जब कोई अच्छी लड़की मुझे मिलेगी तो मैं ज़रूर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने इनकी गुफ्तगू, इनकी ज़िंदगी के ये वाक़यात, इनकी स्टोरीज़ को एंजॉय किया होगा। शो के एंड पे हम आ गए और आपको पता है हम अपने शो का एंड करते हैं एक स्पेशल सेगमेंट से जिसका नाम है गौर करो। आज हम बात करना चाहेंगे बच्चों पर तशद्दुद की। बहुत साल पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्कूल्स में मार नहीं प्यार का एक स्लोगन इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसका मकसद था कि बच्चों को स्कूल में जिस्मानी या ज़हनी तशद्दुद ना दिया जाए। पाकिस्तान में कॉर्पोरल पनिशमेंट अभी भी बहुत जगहों पर कल्चरली एक्सेप्टेड है और इस जिस्मानी तशद्दुद की वजह से बच्चों में स्कूल फोबिया पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्कूल जाने से डरते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसमें आज भी तकरीबन 22 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, उसके तालीमी इदारों में इस तरह का रवैया नामंजूर है। पाकिस्तान इज़ अ मेंबर ऑफ द UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन दैट प्रोहिबिट्स कॉर्पोरल पनिशमेंट, लेकिन अभी भी अक्सर आपको कोई ना कोई ऐसा वाक़या सुनने को मिलता है जहाँ जिस्मानी तशद्दुद की वजह से किसी बच्चे की मौत हो गई या बच्चा माजूर कर दिया गया। तो मैं चाहूँगा कि हम इस पर गौर करें और अपने मुल्क से ये बच्चों के साथ जो जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद होता है इसको ख़त्म करें। सर यार ये वाकई बहुत तकलीफ़ दे बात है। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते मैंने 2 बच्चियों को देखा, 2 बच्चियों पे एक घर में बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, यानी कि उस वक्त तो मेरे आँखों में आंसू आ गए। एक मासूम 8-9 साल की 2 बच्चियाँ, 2 बहनें एक घर में काम करती हैं और पूरे घर वालों ने उस पर तशद्दुद किया। वो अपने ज़ख़म दिखा रही थी, नील पड़े हुए थे और उनके खून के निशानात थे। अब मैं कह रहा हूँ कि इट वाज टेरेबल। एक के तो बाल भी कटे हुए थे। ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं माशरे में जिनको अपने बच्चे नज़र नहीं आते? अगर उनके बच्चों पर ऐसे जुल्म किया जाए तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? आप, मेरा ख़्याल है कि उन ख़ानदान को, उस फैमिली को शर्म आनी चाहिए और ऐसी फैमिली का सोसाइटी में भी बाइकआउट करना चाहिए और इन लोगों को सख्त से सख्त कड़ी सज़ा देनी चाहिए और इनकी ज़मानत भी नहीं होनी चाहिए। मार नहीं प्यार के नारे को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को मुल्क की तरक्की का ज़ामिन बनाएं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।